हेलो मेरे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूं टिकटॉक पर खैरियत से होंगे। बहुत खुश होंगे। अच्छा यार, सबसे पहले माजरत, मैं हर व्लॉग से पहले करती हूं, पता नहीं क्यों। मैं कोशिश करती हूं कि मैं डेली व्लॉगिंग करूं, लेकिन पता नहीं क्या मेरे साथ हो जाता है, मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्यों नहीं कर पाती डेली व्लॉगिंग। मेरा मसला है भाई, नहीं हो सकता, मेरे बस की बात ही नहीं। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि यार मैं व्लॉग करूँ। खैर, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कॉमेंट कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों से मिस ना हो जाए। क्या बोल रही है रिपोर्ट्स? अच्छा, खुली नहीं अभी तक तो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। आज की तारीख में पता चल जाएगा। क्या बोल रही है रिपोर्ट? बस ये देखो कि पतली है या नहीं। नॉर्मल है। हैं? ये तो सीबीसी बोल चेक करे ना, वो सब चेक करो जिसमें आया है एक्चुअली। तुम तो प्रेग्नेंट हो। ये देखो, मैं झूठ नहीं बोल रही। ये देखो, ये बच्चे की शक्ल। ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, एक दफा देखो। ये देखो, दो आंखें, ये मुंह, बस नाक नहीं है इसमें। सही पकड़े हैं यार, मुबारक हो बहुत बहुत। खैरिया, मैं मजाक कर रही हूँ, इससे पता नहीं कोई इसको मसला हुआ है किडनी विडनी का, भी हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो पता चलेगा क्या मसला है। खैर, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो ऐसी तफरी थी, अभी मैं कोशिश कर रही हूँ रिपोर्ट पढ़ने की, अगर मुझे समझ में आ गई तो सही, नहीं तो अभी डॉक्टर ही बताएगा कि मसला क्या। तो खैर, मैं चल के मिलते हैं। 6.5 hours later. यार हॉस्पिटल वाले इतना कॉल कराते भाई, एक सिटी स्कैन करा दे, सही है, इसको बोला सिटी स्कैन कराए क्योंकि हमें पता नहीं है आपका स्टोन है, लेकिन एक्चुअली सिकंड में स्टोन है। मजाक से हट के दर्द भी है बेचारे को, लेकिन अरे भाई, जब बिल्डिंग नीचे से कराने से पहले बता देते, कॉल कराए कह लेंगे ऊपर जो सिटी स्कैन करा लूँ, ऊपर ले तो कह रहे नीचे आगे बिल्डिंग कराए। अजीब यार, कोई है यार, पता नहीं, चलो बिल्डिंग करा लेते हैं। 6.5 hours later. किस हाथी के साथ आई हो हॉस्पिटल? वजूद है यार ये पूरा, देखो दम दम दम, आवाज़ आ रही है इसी के पैरों से आवाज़ आएगी। ये देखो, हाथी का बच्चा है पूरा। जी यार, इन लोगों को मुझे मसले समझ में नहीं आए, कहने लगे बिलिंग करा रहे, नाम बताएं, आपको उनके साथ क्या रिश्ता है, नंबर बताएं, एड्रेस बता दें। भाई मैंने इतना कॉल कर दिया, अभी खैर कोई नहीं, अब हम चलते हैं अंदर, ताकि जो है वो सिटी स्कैन करा लेते हैं इसका। बिलिंग कराने से पहले हम सिटी स्कैन कराने आए ऊपर, तो एक अंकल यहाँ बैठे हुए थे रिसेप्शन पर, उन्होंने बोला बस, जैसे वो हमारे वेट करते, कहने लगे बस आप बिलिंग करा के आ जाए, देखे मैं फ़ौरन जो है ना आपका सिटी स्कैन कर दूँगा, अभी तक वो आए नहीं। आ गए यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे, ये मेरे पानी पिए, उसको सुसु आए, उसका ब्लैडर फुल हो, तो फिर उसका सिटी स्कैन हो, तो बस वेट चल रहा था यहाँ। बहुत हो गया, वो कह रहे बहुत लेट लिए तुम, बस उठो चलो। तुम तो बिल्कुल फ्री हो गए, तुम्हें लेटने का बोला। चलिए यार, सिटी स्कैन हो गया, अब वेट करते हैं इसकी रिपोर्ट का। ये लो यहाँ से सारा सामान उठाते हैं, ये भी उठा लो। क्या लग रहा था तुम्हें यार? बताओ बताओ। अबे यार देखो यार, करंट भी लग सकता था। करंट क्यों लगेगा? वो मैंने देखा था एक मूवी में। क्या देखा था? लड़के को यूं दौड़ते वो अचानक ना करंट लगता है, आधा रास्ता बंद करा। मैं तो चिल सुकून से बैठी हुई थी अंदर, चिल कर रही थी, उन्होंने बोला बस अभी इनका हो जाएगा। वो बड़े मज़े से बोल रही थी यार, ये सांस अंदर ले, सांस छोड़े, सांस ले। हम लोग ये वाली जॉब नहीं कर लूँ, ये वाली जॉब नहीं कर सकती, तो चूल्हा थोड़ी है चलाना। हाँ वैसे ये तो है। खैर यार, अभी हम वेट कर रहे हैं रिपोर्ट्स का, जल्दी रिपोर्ट्स आ जाए, फिर डॉक्टर को दिखाएं तो पता चले कि फंसा कहाँ है, क्या हुआ है, क्योंकि एक स्टोन फंस गया है, वो अल्ट्रासाउंड में क्लियर नहीं आया, वो सिटी स्कैन में ही आएगा।
बस मैं वेट कर रही हूँ रिपोर्ट्स का. 3000 years later. दो घंटे की क्वारी के बाद हम सीढ़ी स्कैन करा रहे हैं. हमें सीढ़ी मिल गई, हमें दिखाना है डॉक्टर को और हमें ढूंढना है स्टोन. तो है वो चाह रहे स्टोन ढूंढने, मतलब रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाने. यहाँ वो मेरे की रिपोर्ट्स चेक कराने आए थे. ओके यार, हॉस्पिटल से हम लोग फारिग हो गए थे. मसला यह है कि उमेर की जो किडनी है ना, वो दोनों किडनीज में उसके स्टोन है, राइट में भी और लेफ्ट में भी, और भरे हुए हैं. ऐसा भी नहीं कि कम स्टोन, भरे हुए हैं उसके स्टोन. एक जो स्टोन है वो यूरिन की नाली में फंस गया, तो उस वजह से डॉक्टर ने कहा कि भाई ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन तो लाजमी होगा क्योंकि ये ऐसी दवाइयों से नहीं निकलता. खैर उसको पेन्स वगैरह हैं अभी, और यह है कि बस अल्लाह पाक रहम करें, क्योंकि आजकल तो बड़े यार मैं अपने घर में भी देख रही हूँ बीमारियाँ, और बाहर भी देख रही हूँ. मैं गिर गई, मेरी बहन भी गिर गई, तो मेरे के साथ भी ये मसला हो गया. अब तो सब चीज़ें बड़ी खिचपिच हुई हैं, तो बड़े मसाइल हो जाते हैं. खैर कोई नहीं, तो बस ये थी सूरत हाल. अब मैं जा रही हूँ घर. घर आने के बाद जी थोड़ा सा काम शाम किया, उसके बाद दिन को अपना ख़त्म किया. उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करना आप लोगों ने लाइक, चैनल करना आप लोगों ने सब्सक्राइब, और सबको दुआओं में याद रखना. खुदा हाफिज़.